अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान नगर परिषद के भावी सभापति उम्मीदवार डॉक्टर शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान आज डॉक्टर शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू ने सिवान क्याशी नगर का दौरा करते हुए वहां के लोगों के साथ एक बैठक किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि सिवान के विकास के लिए एक बेहतर उम्मीदवार का जीतना बहुत जरूरी है और मैं चुनाव जीतता हूं तो क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर कार्य करने का प्रयास करूंगा। क्षेत्र में घूम रहे हैं और आज आप क्याशी नगर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? आप लोगों का घूमना और मेहनत जो है बहुत बेहतर है और इसी तरह मेहनत आप लोग कीजिए और फैजी साहब जो हैं बहुत अच्छे और नेक भी हैं और ये इनको जिताइए और इनसे जितना हो सके आप उनसे काम लीजिए और काम में अजुआ चेहरा है और मेहनत से काम करेंगे और आप लोग काम देंगे तो इनके लिए आप लोग मेहनत कीजिए और जिताइए। डॉक्टर शारिक नैयर लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आज आशी नगर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? शारिक नैयर बहुत ऑनेस्ट नेता हैं और उनके पास चोरी चंडाली वाला धंधा नहीं है। आजकल जो भी नेता हो रहा है चोरी कर रहा है। इनका ऑलरेडी अल्लाह ताला सब कुछ दिया हुआ है। हम पूरा जनता से आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई एक बार शारिक नैयर को वोट दीजिए और इनको जिताइए। क्या लग रहा है उम्मीद पे खरा उतरेंगे जनता चुनेंगे? 110% उम्मीद पे खरा उतरेंगे। हम लोग का पूरा सपोर्ट इनके साथ है और आप लोग सपोर्ट कीजिए और अल्लाह से हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और जिताए। न्यू युवा है, एक बार इंसान चांस दे के देखे जी, सबको चांस दे के देख लिया आदमी जी, एक चांस इनको भी दे के ट्राई करे आदमी, जो भी करेंगे बेहतरी करेंगे। शारिक जी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आज आशी नगर पहुँचे हैं, लोगों से बैठक करके बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जिस एरिया में जाते हैं ना पहले हम वहाँ का जायजा लेते हैं कि वहाँ लोगों को क्या क्या असुविधा है। तो ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एक तो पानी जो है जल जमा होता है उसकी दिक्कत होती है और ये एरिया भी उसी तरह है कि बरसात के दिनों में बरसात आने वाली है, यहाँ पे भी वैसे ही हाल होता है, रोड ऊपर हो गई और नाला नीचे हो गया, नाला कहीं कहीं है भी नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है सिवान की आम प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हो गया कचरा का, कोई ये नहीं है कि कचरा जो है हर चौराहे पे नज़र आता है, तो ये सब आम प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करना मेरा पहला लक्ष्य है और इसके बाद जो बड़ी प्रॉब्लम है उस सब की तरफ देखना है कि उसको कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं जिस भी एरिया में जाता हूँ, क्योंकि आशी नगर में मेरा घर ही है समझ लीजिए, तो ये तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ और आज भी आया हूँ तो इस वक्त भी वही लोगों से मिल रहा हूँ, सारे अपने लोग हैं। क्या लग रहा है लोगों का समर्थन आपको? एकदम सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं और बहुत सारा प्यार और उनकी दुआएं हैं मेरे साथ।